नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है टॉर्टोइस मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट। तो यहाँ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस है बच्चों कितना? 100 मीटर्स, एम का मतलब मीटर्स, ओके, इन 15 मिनट्स। टाइम कितना दिया हुआ है? 15 मिनट्स। अब ध्यान दें, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉर्टोइस इन किलोमीटर पर आवर। तो पता है मैं क्या करूंगा, सुनो, मैं इसकी एवरेज स्पीड पहले मीटर पर सेकंड में निकाल ले रहा हूं, ठीक, किसमें? मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो मुझे पता है कि मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आर में कैसे मूव करते हैं। अगर मुझको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में चेंज करना हो तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जिनको नहीं पता है अपनी कॉपी में नोट लगा लें। अगर आप मीटर पर सेकंड से कहाँ जा रहे हो? किलोमीटर पर आर में, मतलब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड इसी का रिवर्स, अगर आपको किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो अभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखिए कैसे। यहां पर हम पहले एवरेज स्पीड तो निकाल लें। चलिए, तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होगा एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। मैंने क्या बोला आपको कि स्पीड, एवरेज स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकाल लो पहले, ठीक, और फिर उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो। मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में और टाइम होना चाहिए सेकंड में। एस ई सी लिखा हुआ है सेकंड, ठीक, आप इसको एस भी लिख सकते हो। टाइम को हम एस से दिखाते हैं, सेकंड से, ओके। सो एस, सो देखिए डिस्टेंस तो हमको मीटर में दिया है 100 मीटर, अब टाइम हमको मिनट्स में दिया हुआ है तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 मिनट में कितने मिनट? 15 मिनट में कितने सेकंड? 15 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करो उसको, 15 इंटू 60, ओके। तो ये आ गया किसमें? सेकंड में, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कितना आ जाएगा? 15 सिक्सा कितना हो जाएगा? 90, है ना, और 15 सिक्सा 90, और ये वाला जीरो एज इट इज लगा दोगे तो कितना आ गया, सॉरी 15 सिक्सा 90 और ये वाला जीरो एज इट इज लगाओगे तो 900 सेकेंड्स आ जाएगा। रख दीजिए यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 क्या मीटर बाय टोटल टाइम कितना है? 900 सेकेंड। ये दो जीरो से दो जीरो कट गए और कितना आ रहा है? 1/9 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/9 मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करेंगे? किलोमीटर पर आर में। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर में कैसे जाते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे, 1/9 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये मीटर पर सेकेंड वाला यूनिट चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आर में, किलोमीटर पर आर में, ओके। सॉल्व कर लीजिए कैसे करेंगे, 9 × 9, 9 × 2 = 18। अब देखो ऊपर 1 बचा, 2 बचा, 1 × 2, 2 बाय नीचे 9 × 9, 5 × 1, 5, 2/5 किलोमीटर पर आर। अब 2/5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 2 को हमको डिवाइड करना है इससे, 2 को हमको डिवाइड करना है, क्वेश्चन भी चला गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, सो 2/5। अब ध्यान से चेक करो, 5 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए, ठीक है। तो 5 वनजा नहीं कर सकते हो, 5 आएगा 2 से बड़ा हो जाएगा, तो 5 जीरोजा कर दो, क्या दिक्कत है। 5 जीरोजा कितना होता है? 0, 2 − 0 = 2, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाएंगे। 5 फोरजा कितना होता है? 20, रिमाइंडर कितना आएगा? 0, खत्म, ठीक। तो कितना आ गया, 2/5 का मतलब 0.4 किलोमीटर पर आर, ओके। सो एवरेज स्पीड ऑफ द टॉर्टोइस शायद पूछा था ना, यस, इज 0.4 किलोमीटर पर आर, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको।